स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहान केयर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दाद खाज और खुजली से बचने के कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दाद खाज और खुजली के चलते आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आसानी से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में अक्सर दाद खाज की समस्या हो जाती है। अगर इस समस्या को नज़रअंदाज किया जाए तो आगे चलकर यह एक्जिमा का रूप ले लेती है। इतना ही नहीं, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हो जाती है। इस रोग में अधिक खुजली के साथ साथ जलन भी होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुजली में कोई आराम नहीं मिल पाता। दोस्तों, घर पर मौजूद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप आसानी से दाद खाज की समस्या से कुछ ही दिनों में छुटकारा पा सकते हैं। तो जानिए इन घरेलू उपायों के बारे में। नंबर एक, नारियल तेल। दोस्तों, प्रभावित स्किन पर दिन में कई बार नारियल तेल लगाने से खुजली में राहत मिलती है। नंबर दो, लहसुन। लहसुन को स्लाइस में काटकर प्रभावित जगह पर रखें और ऊपर से पट्टी बांध लें। रात भर ऐसे ही बंधा रहने दें। इसके प्रयोग से आप आसानी से दाद खाज की समस्या से निजात पा सकते हैं। नंबर तीन, हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक है। इसके लिए आप हल्दी और पानी का पेस्ट बना लें और कॉटन की मदद से प्रभावित जगह पर लगा लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नंबर चार, नीम। नीम की ताज़ी पत्तियों को पानी में उबालकर पानी को ठंडा कर लें। इसके बाद इसी पानी से नहा लें। इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। नंबर पाँच, करेला। दोस्तों, करेले के जूस को गुलाब जल में मिक्स करके प्रभावित जगह पर लगा लें। इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। नंबर छः, एलोवेरा। एलोवेरा जेल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन से तुरंत निजात दिलाते हैं। इसे रात को सोने से पहले चकत्तों पर लगा लें। दोस्तों, बहुत आराम मिलेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।